गुड मॉर्निंग बेटा, अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ पे क्वेश्चन करेंगे। देखो, हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि हमारे पास एक फिगर दे दी, उसमें लास्ट डिजिट को छोड़ के और सारी डिजिट सर्टेन होती है, लास्ट डिजिट हमारी क्या होती है, अनसर्टेन होती है। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें रूल्स बताए थे, रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैंने तुम्हें फर्स्ट रूल बताया था, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर बेटा जो भी नॉन जीरो डिजिट होगी वो सिग्निफिकेंट होगी, अगर जीरो हमारा दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएगा तो वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। सेकंड रूल मैंने बताया था तुम्हें, अगर जीरो हमारा नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड है देन इट विल नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, अगर जीरो हमारा नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड है और उसमें डेसिमल है, क्या है, डेसिमल, तो वो हमारे सिग्निफिकेंट होंगे। ये रूल हमने सिग्निफिकेंट में पढ़े थे, सिंपल, तब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात की थी। फिर मैंने तुम्हें बताया कि अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशन करेंगे, तो अगर बेटा क्वेश्चन हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन का है, तो उसके अंदर हम देखेंगे लिस्ट डेसिमल प्लेस। क्या देखेंगे, लिस्ट डेसिमल प्लेस। जैसे मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास है 2.25, इसको मल्टीप्लाई करो 1.25 से। मैंने कहा तुम्हारे पास है 2.5, इसको मल्टीप्लाई करो 1.25 से। तो पहली डिजिट में डेसिमल प्लेस के बाद एक डिजिट है और दूसरी में डेसिमल प्लेस के बाद दो डिजिट है, तो जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल प्लेस के बाद एक डिजिट आएगी। ओके, क्लियर हुआ ये। अगर क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है, किसका है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। जैसे हमारे पास है बेटा, मैंने कहा 2.25 इज डिवाइडेड बाय 1.235, 2.25 इज डिवाइडेड बाय 1.235। तो यहाँ पे देखो, पहले डिजिट में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और दूसरे में कितनी है, 5 है, तो आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, 3 होंगी। ठीक है, ये रूल्स थे। अब मैं इस पे क्वेश्चन करवाती हूँ तुम्हें। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। देखो, फर्स्ट मैंने तुम्हें दिया 0.0025, सेकंड मैंने तुम्हें दिया 208, थर्ड मैंने दिया 5005, फोर्थ दिया 126000। ठीक है, नेक्स्ट मैंने तुम्हें दिया 500.0, नेक्स्ट दिया 2.0034। इसमें मैं क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो नॉन जीरो डिजिट कितनी है, 2, और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड क्या है, 0, तो ये हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आएंगी बेटा, 2 आएंगी। कितनी आएंगी, 2। यहाँ देखो, ये नॉन जीरो और जीरो इज प्लेस बिटवीन 2 नॉन जीरो, तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं इसमें, 3। यहाँ पे भी जीरो इज प्लेस्ड बिटवीन नॉन जीरो, तो ये भी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 4। कितनी होंगी, 4। अब यहाँ देखो, जीरो इज प्लेस्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ नॉन जीरो, बट हेयर डेसिमल प्लेस इज नॉट, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो ये जीरो हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी 3। कितनी, 3। यहाँ देखो बेटा, जीरो आर प्लेस्ड राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट एंड डेसिमल प्लेस इज ऑल्सो प्रेजेंट, सो दीज जीरो आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, 4 होंगी। कितनी होंगी, 4। यहाँ देखो बेटा, डेसिमल प्लेस है, दूसरा नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड 0 है, तो ये क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितनी है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, जैसे मैंने तुम्हें कहा, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे
इनके आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, सिर्फ हमें यही बताना है। तो बेटा अभी मैंने आपको समझाया था, रूल भी मैंने बताया था बेटा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा। तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं बेटा लीस्ट डेसिमल प्लेस। क्या देखेंगे? लीस्ट डेसिमल प्लेस। ओके, अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा, तो हम देखेंगे बेटा लिस्ट प्रिसाइज, लिस्ट प्रिसाइज टर्म मींस लिस्ट टर्म, लिस्ट वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कम होगी, तो जितनी सिग्निफिकेंट वैल्यू फिगर की वैल्यू हमारी लिस्ट वैल्यू होगी, उतनी ही हमारी आंसर में होगी। ये देखेंगे बेटा, देखो इस पे, जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, मैंने कहा 0.002856 मल्टीप्लाई बाय 298.15 इनटू 0.112 डिवाइडेड बाय 0.785। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम क्या देखते हैं बेटा? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम देखते हैं लिस्ट प्रिसाइज टर्म। क्या? लिस्ट प्रिसाइज टर्म। तो देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 4, इसके अंदर 5, इसके अंदर 3, इसके अंदर 4। तो यहाँ देखो लिस्ट प्रिसाइज टर्म क्या है? 0.112 और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 3। तो अब हम क्या कहेंगे? द आंसर शुड हैव, द आंसर शुड हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, मैंने तुम्हें कहा 5 मल्टीप्लाई बाय 5.364 और मैं कहूँ यहाँ पे आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो यहाँ देखो बेटा, 5 तो हमारे पास क्या है? एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर, इसमें कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 4। और क्या है बेटा? मल्टीप्लाई। तो लिस्ट प्रिसाइज टर्म क्या हो गई? 5.364, जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 4। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? द आंसर विल ऑल्सो कंटेन, द आंसर विल ऑल्सो कंटेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ से जो आंसर आएगा उसके अंदर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो बेटा सेम क्वेश्चन का। जैसे मैंने कहा 0.0125, इसमें मैंने ऐड किया 0.7864 प्लस 0.0215। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं बेटा? इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी विल कंसिडर लिस्ट डेसिमल प्लेस। क्या? लिस्ट डेसिमल प्लेस। तो इसमें लिस्ट डेसिमल प्लेस कितने हैं बेटा? 4। कितने हैं? 4। और इसमें कितने हैं बेटा? 4। इसमें भी 4। तो सभी में इक्वल है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, तो हम क्या कहेंगे? आंसर ऑल्सो कंटेन, आंसर ऑल्सो कंटेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट इसका, जिसे मैंने कहा 5.38 प्लस 0.12 प्लस 1.2। अब मैं कहूँ इसके आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, तो यहाँ पे तुम लिस्ट डेसिमल प्लेस देखोगे, तो लिस्ट डेसिमल प्लेस में यहाँ कितना आएगा बेटा? 2, या 2, या 1। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 2। तो आंसर के अंदर भी क्या होगी? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होंगी बेटा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम राउंडिंग ऑफ पे कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम राउंडिंग ऑफ पे करेंगे। मैंने कहा राउंड अप, राउंड अप द फॉलोइंग इंटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इंटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितनी फिगर में करना है बेटा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। जैसे मैंने तुम्हें फर्स्ट दिया 3, 4,
0.216, सेकेंड दिया 10.4107, थर्ड दिया 0.0597, नेक्स्ट मैंने तुम्हें दिया बेटा 2.425 और 2.435। मैं कहूँ कि इन रिजल्ट को तुम्हें कितने सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, इन रिजल्ट को तुम्हें कन्वर्ट करना है बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। कितने सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है बेटा तुम्हें, इन रिजल्ट को कन्वर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो देखो कैसे करोगे, अब यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, तो पहले मैं इसके रूल बता देती हूँ तुम्हें। अगर बेटा हमें जिस डिजिट को रिमूव करना है, हमें यहाँ इस एक को रिमूव करना है, अगर ये वैल्यू हमारी 5 से कम होगी तो पहले वाली डिजिट सेम रहेगी, अगर ये वैल्यू हमारी 5 से ज्यादा हुई तो पहले वाली डिजिट 1 से बढ़ जाएगी, अगर ये वैल्यू 5 हुई, क्या हुई 5, तो इवन है तो क्या रहेगी सेम रहेगी, इवन है तो सेम रहेगी और ओड है तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। देखो एक बार फिर से बता रही हूं मैं रूल, मैंने कहा जिस डिजिट को हमें रिमूव करना है अगर वो डिजिट हमारी 5 से कम होगी तो आगे वाला नंबर सेम रहेगा, 5 से ज्यादा होगी तो आगे वाला 1 से बढ़ जाएगा, अगर 5 होगी तो उससे पहले जो नंबर अगर इवन है तो सेम रहेगा और ओड है तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ देखो हमें 1 को रिमूव करना है तो ये 5 से कम है तो पहले वाली डिजिट क्या रहेगी सेम, तो क्या आएगा 34.2। यहाँ देखो बेटा 3 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर तो 1, 2, 3, ओके तो यहां से हमें रिमूव करना है तो ये रिमूव करना है, ये 5 से कम है तो पहले वाली डिजिट क्या रहेगी सेम, आंसर क्या आएगा 10.4। यहां देखो बेटा 1, 2, 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर रिमूव किसको करना है 7 को, और 7 क्या बेटा 5 से ज्यादा तो पहले वाली डिजिट 1 से बढ़ जाएगी तो ये आंसर क्या आएगा 0.0460। यहां देखो जिसको रिमूव करना है वो क्या है 5, अब इसके आगे वाले नंबर को देखेंगे ये क्या है इवन, इवन है तो क्या रहेगा रिमेन सेम, क्या रहेगा रिमेन सेम, तो ये क्या आएगा 2.42। यहां हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर मींस यहां तक रिमूव किसको करना है 5 को, उससे पहले वाला नंबर क्या है ओड है तो ये क्या हो जाएगा 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना आएगा 2.44। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, इनको एक्सप्रेस करना है किसमें साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन मीन्स बेटा n इंटू 10 की पावर n में, ठीक है। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है 0.0048, ओके सेकेंड दिया हुआ है 234000, थर्ड दिया हुआ है बेटा 8.008 और फोर्थ दिया हुआ है 500.0, फिफ्थ दिया हुआ है 1484000, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, तो कितने डिजिट शिफ्ट किया 3, और हम किधर गए बेटा राइट साइड, किधर गए राइट साइड, तो हम राइट साइड जाएंगे तो पावर हमारी नेगेटिव में आएगी, किस में आएगी नेगेटिव में, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4.8, और कितना गए बेटा 1, 2, 3, और कहाँ गए बेटा हम राइट साइड तो पावर नेगेटिव में, तो 10 की पावर -3, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा अब डेसिमल को यहाँ लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे 2.34000, और हम क्या गए हम इस साइड से कहाँ गए बेटा लेफ्ट की साइड गए, तो पावर किस में आएगी पॉजिटिव में, कितना कितने इस साइड गए बेटा 1, 2, 3, 4, 5, तो 10 की पावर 5, ठीक है। अब हमारे पास क्या था 8008, अब हम राइट साइड से सॉरी बेटा अब यहाँ पे था और यहाँ से हम इधर आए, तो हम किधर आए लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड आएंगे तो पावर किस में आएगी हमारी प्लस में, इसमें प्लस में, यहाँ पे भी हम किधर गए हम कहाँ गए बेटा लेफ्ट साइड, कितना गए 2, तो 5.00 × 10 की पावर 2, इसमें भी हम किधर गए लेफ्ट साइड, कितना गए 5, तो पावर किस में आएगी प्लस में 1.48000 × 10 की पावर 5, तो ये हमारा क्या था साइंटिफिक नोटेशन, क्या था साइंटिफिक नोटेशन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट, किसमें कन्वर्ट करना है बेटा बेसिक यूनिट में, जैसे मैंने तुम्हें कहा 28.7 पिकोमीटर, पिकोमीटर इज द लेंथ ऑफ
पिकोमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, और लेंथ बेसिक यूनिट मीन्स बेटा एसआई यूनिट, और लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर। तो अब हमें पता है बेटा 1 पिकोमीटर क्या होता है 10^-12 मीटर, तो यहां से ये आंसर कितना आएगा 28.7 × 10^-12 मीटर। तो ये आंसर कितना आ गया 2.87, और इस पॉइंट को हम इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा 10^-11 मीटर। ओके एक पार्ट और देख लो बेटा, मैंने कहा 2536 मिलीग्राम, मिलीग्राम किसकी यूनिट है बेटा वेट की, वेट की एसआई यूनिट क्या होगी किलोग्राम में बदलना है भाई, तो सबसे पहले जो हमें मिलीग्राम दिया हुआ है इसको ग्राम में बदलोगे, ग्राम में बदलोगे तो क्या करोगे मिलीग्राम को ग्राम में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड, फिर ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड, तो यहां से ये आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2.536 × 10^3 kg। ठीक है, तो ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया बेसिक यूनिट में, किस में कन्वर्ट किया बेटा बेसिक यूनिट में। थैंक यू।